गूगल प्ले स्टोर एक ऐसी जगह है जहां आपको हमेशा नए गेम्स मिलते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों गेम्स हैं। अगर आपको कुछ नए गेम्स की रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो ये रही पांच और फ्री गेम्स जो आपको ट्राई करने चाहिए। पहला, मार्स मार्स बाय पोमेलो गेम्स। अगर आप एक सिंपल गेम ढूंढ रहे हो तो ये गेम आपके लिए परफेक्ट है। टाइटल पढ़ के आपको समझ ही आ गया होगा कि ये गेम मार्स पे सेट है। आप अपने एस्ट्रोनॉट के जेटपैक को कंट्रोल करके उसे प्लेटफॉर्म्स पे लैंड कराते हो। जैसे आप गेम में प्रोग्रेस करोगे, आपको कुछ वियर्ड स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे जहां आप होवर करके सेल्फी सेव कर सकते हो। इस गेम में काफ़ी अलग एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हो, और एस्ट्रोनॉट अपने साथ एक नया लुक देता है। सक्सेसिव प्लेटफॉर्म्स पे बिना क्रैश करके लैंड करने से आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं, और इस सिंपल गेम को आप कभी भी बूट अप करके खेल सकते हो। दूसरा, टैक्टाइल वर्ड्स बाय अंकामा गेम्स। ये गेम दिखने में एक रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम की तरह लगता है, पर ये गेम अपने कंपेरेटर से काफ़ी अलग है। इसमें आप अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करते हो और मेन गोल बाकी पॉइंट्स कैप्चर करके उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। इस गेम के कलरफुल ग्राफिक्स की वजह से गेम काफ़ी चाइल्डिश लगती है, पर इस गेम में काफ़ी डेप्थ है। इस गेम में आप अपने सोल्जर्स को किसी भी फॉर्मेशन में अरेंज कर सकते हो। आपको अपने फिंगर से फॉर्मेशन का पैटर्न ड्रॉ करना होता है, जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजीज को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आप माइंस, टैंक्स और ऐसे काफ़ी डिफेंसेस प्लेस कर सकते हो अपने बेस कैंप के प्रोटेक्शन के लिए। गेम में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन है और आप गेम्स खेल के अपने ट्रूप्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। तीसरा, लीप डे बाय नाइट्रोम। नाइट्रोम की गेम्स हमेशा काफ़ी इंप्रेसिव होती है, और ये गेम भी डिसअपॉइंट नहीं करती। इस गेम को आप एक टैप से ही कंट्रोल करते हो। ये एक प्लेटफॉर्मर है जिसमें आपका गोल सिर्फ ऊपर जाना होता है, पर रास्ते पे आपको कई ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होता है। क्योंकि इस गेम के इतने सिंपल कंट्रोल्स है, इसलिए सारे ऑब्स्टिकल्स इंश्योर करते हैं कि उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना पड़े। इससे गेम में एक पजल सॉल्विंग का एस्पेक्ट भी आ जाता है। ये गेम हमेशा फ्रेश रहती है क्योंकि इसमें हर दिन एक नया लेवल आता है, और हर लेवल बाकी लेवल से अलग होता है, और इस गेम की पिक्सल आर्ट स्टाइल विजुअल्स इसे काफ़ी कलरफुल और फन बनाते हैं। चौथा, हेड्स ऑफ बाय पोनोस कॉरपोरेशन। अगर इस लिस्ट में आप वियर्ड गेम्स ढूंढ रहे थे तो आपका वेट ख़त्म। इस गेम में आप एक डिसएम्बॉडीड हेड को कंट्रोल करते हो। आपके टैप करने से ये हेड स्क्रीम करता है, और इसके स्क्रीम के फोर्स को यूज़ करके आपको आगे बढ़ना होता है। इस गेम की प्लेटफॉर्मिंग वैसे मुश्किल नहीं है, पर इसके वियर्ड फिजिक्स बेस्ड कंट्रोल्स इसको काफ़ी टफ बना देता है। इसको और वियर्ड बनाने के लिए आप जैसे जैसे गेम में प्रोग्रेस करते हो, साइड में उस हेड की स्टोरी पता चलती रहती है, और अगर आपको लगा कि वहीं पे वियर्डनेस ख़त्म हो जाएगी तो आप गलत होंगे। इस गेम में नए हेड्स अनलॉक करने के लिए एक ट्री है जहाँ हेड्स ग्रो करने होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए आपको ऑर्ब्स यूज़ करने होते हैं जो आप गेम खेल के कलेक्ट कर सकते हो। पांचवा, हियर अ पजल गेम बाय टेकियोनिक। ये एक मिनिमलिस्ट पजल गेम है। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो ऐसा समझ दो कि आपके सामने एक पजल रख दिया जाएगा और हर पजल का एक ही एंड पॉइंट होगा। इस गेम में आपको हियर वर्ड ढूंढना है। हर पजल दूसरे से अलग होगा और आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि पजल कैसे काम करता है और सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। इवन तो ये गेम दिखने में सिंपल लग रही है, पर कुछ पजल्स आपको ज़रूर कन्फ्यूज़ कर देंगे। अगर आपको कुछ सिंपल और चैलेंजिंग चाहिए तो ये गेम बिल्कुल आपके लिए ही बना है। तो ये थी पांच और फ्री और वियर्ड गेम्स जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको और रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप पिछले दो वीडियोस भी हमारी देख सकते हो, और अगर आपको कोई गेम इस लिस्ट में देखनी है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और मोबाइल गेमिंग के बारे में अपडेट रहने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड गेमिंग मंक ऐप डिस्क्रिप्शन से अभी डाउनलोड करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।